यार मुझे एक बात बताओ कि ये सिर्फ मेरे घर का सीन है कि ये सबके घरों में हो रहा है कि जब कोई नई मासी हमारे घर में काम करने आती है तो एक हफ्ते के अंदर वो इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लेती है कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारी अम्मा और वो जो हैं बचपन की दोस्त हैं, वो बहनें हैं, बल्कि वो कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, जो आज जाके मिली है। मैंने ट्रस्ट बिल्ड कैसे ही किया इन लोगों ने, ये तो भाई इनको भेजो कंपनीज के अंदर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ टेड टॉक दिलवाओ इनसे भाई कि कम वक्त में ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए। नहीं मतलब 7 बजे ना सुबह के, मेरा पूरा घर सो रहा है, ठंडा हुआ हुआ है मेरा पूरा घर ना, और वो आती है, काम करती है और चली जाती है। मतलब सुबह मैं उठा गया किचन के अंदर तो वो फ्रिज खोल के खड़ी हुई, और मेरा पूरा फ्रिज जो है ना ऊपर से नीचे तक उसने स्कैनिंग कर दी, और जब उसको कुछ अच्छा नहीं लगा ना खाने को तो उसने बंद किया और कहती है इनके घर में तो कुछ खाने को ही नहीं होता। मैं पीछे पागल, मैंने कहा भाई क्या है ये सब, ये इतने मजे से इतना आगे फ्रिज खोल के खाना चेक कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये उसका घर है और मैं यहाँ पे हूँ एज अ गेस्ट रह रहा हूँ, और मेरी गलती है कि मैं कमरे से बाहर आ गया। ये तो पूरी उसकी अथॉरिटी थी, ये पूरा उसका एरिया है, मुझे समझ नहीं है क्या हुआ है। के बाद एक और चीज़ है कि ये झाड़ू लगा के पंखा ना चलाने वाली क्या साइंस है, मतलब जब आती हैं तो पंखा बंद कर देती हैं, मैं गर्मी में घुट रहा हूँ वहां पे पड़ा हुआ, आएंगी झाड़ू लगाएंगी और पंखा ऑन किए बगैर चली जाएंगी, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको बोल सकूं कि भाई पंखा चला दे। ये हम और आप जितनी भी बात कर लें कि हम इतने बड़े जो है ना ये चीज़ है, हम वो कर सकते हैं, हम ये उठवा देंगे बंदा, हम उसको गायब करवा देंगे, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम मासी को बोल दें कि भाई तू पंखा चला दे, हमारी आवाज़ नहीं निकलती। और अगर हमारा गुस्सा है ना मासी के ऊपर, तो मासी के ऊपर गुस्सा नहीं निकलते, हम अपनी अम्मा को जाके बोलते हैं। मेरी ये समझ नहीं आता कि इनका इतना रोब कैसे है हमारी जिंदगी के ऊपर, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये इतनी चम्मी कैसे हो जाती है हमारे साथ। नहीं मतलब मेरी अम्मी बात कर रही है मुझसे कि हम्मा तुम्हें तो ये नहीं आता, हम्मा तुमसे बड़ी परेशान हूँ और काम नहीं करती हूँ ये वो, साइड में कमीनी खड़ी हुई हंसी और कहती है एकदम से ही, भाई को तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। मैंने कहा मैं तेरा सर पे रॉड मार के तेरा सर खोल दूंगा, निकल जाए यहाँ से। मुंह पे नहीं कहा, दिल दिल में कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है डर लगता है मासी से छोड़ के ना चली जाए काम, फिर वो मतलब मेरे सर पे। मतलब मासी और आपका अगर कभी कंपटीशन रखा जाए ना, तो हमेशा आपके घर वाले आपके मासी को ही फेवर करेंगे। मुझे समझ नहीं आती हमारी औकात मासियों के सामने जीरो क्यों हो जाती है, मतलब समझ नहीं है मेरी, क्या घोल के पिलाती हैं, क्या कौन सी जड़ी बूटी पिलाती हैं कि हमारे घर वाले हमारी बात का यकीन करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा अम्मा मैंने अभी यहाँ 100 रुपये रखे थे, ये काम कर रही है, मेरे 100 रुपये गायब है, कहाँ हैं। अम्मा कहती हैं तुमने नहीं रखे थे, तुम झूठ बोल लो। मैंने कहा अबे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये होगी, लेकिन अब जाहिर सी बात है सबूत नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने रखे थे और वो गायब हो गए, मुझे पता है कहाँ है, लेकिन वही बात है मेरे पास सबूत नहीं है तो कोई मेरी मानेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि ये इनको पूरे मोहल्ले की खबर कैसे होती है, 4 गली पीछे किस किस घर में क्या क्या चल रहा है, इनको सब पता है कि इनके घर में शादी है, इतना इतने का सामान आया है, इनके घर में अभी शादी है, इनके घर में इतने का जेवर पड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो वैसे काम करने आते हैं, और इतनी ज़्यादा डिटेल में डायलॉग्स मुझे समझ नहीं आती। खानदानी सियासत, मेरी अम्मा से मेरे घर की बातें वो डिस्कस कर रही है कि आपको ऐसा नहीं, आपको इनके मामले में ऐसा करना चाहिए था, और आप बहुत होशियार हैं कि आपने इस तरह की चीज़ें कर दी। मैं कहा भाई क्या है ये, पागल वागल हो गई है, उसको घर की बातें बता रहे हो, कल को निकल के कुछ कर देगी ना। और मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे घर में कोई शादी होती है उसी टाइम इनके घर में भी कैसे शादी हो जाती है, ये मेरी साइंस समझ नहीं आ रही है। नहीं मतलब मेरे भाई की शादी थी, हमने एंड मौके तक मासियों को नहीं पता चलने दिया कि हमारे घर में शादी है, आखिरी के हफ्ते में इनको बताया कि हाँ भाई एक हफ्ते बाद शादी है, तो उसी के बाद 3 दिन बाद इनके घर में भी पता चला कि इनके घर में भी शादी है। ये कैसे हुआ, matrimonial.com पे गई थी या jeevansathi.com पे गई थी, किसने करवाया ये काम। और एक और बात बताओ कि जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसी टाइम इनके घर में कैसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कैसे करती हैं इतना तेज काम, ये फ्लैश है क्या जो इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रहा है ये। और टोपी कराने में तो ये ऐसी उस्ताद कि आप और हम भी क्या टोपी कराते होंगे। कमरे में गई, एक मैडम वापस आके कहती है बाजी मैंने झाड़ू लगा ली, मैं जा रही हूँ, मेरा काम हो गया। मैं कमरे में गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, तो कमरे साफ नहीं है। मैंने उसको बोला भाई ये कमरा साफ नहीं, जाके वापस करो। नहीं मतलब कमरे में गई, पंखा बंद किया, वापस ऑन किया और आ गई बाहर, कहती है मैंने झाड़ू लगा ली, हम तो यहाँ पे चे है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है चे से ना। तो मैं गया, मैंने कहा ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल पूजा, ये वापस काम करने चलो, तो पेनमोर से वापस काम करवाया, टोपियां चेक कर रहे हो इनकी। उसके बाद काम करके जाते हुए मुझे ऐसी नजरों से देख रही है जैसे मैंने इसके दोनों गुर्दे निकाल लिए हो, मैंने इसका क्यों मोबाइल इससे छीन लिया हो, मतलब मेरी समझ नहीं है कि क्या मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैंने कहा मेरा कमरा साफ कर दो तो मुझसे गुनाह हो गया, मुझे ऐसा लगता है भाई इनको रोकना पड़ेगा, इन्हें तो यम पे ही जाना हावी हो जाएंगी, बड़ा टेंशन हो जाएगी अगर ये ज्यादा ऊपर आ गई तो।